हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे दोस्तों। 15 फीट हमारे प्लॉट की विड्थ है, 72 फीट हमारे प्लॉट की लेंथ है। काफ़ी नैरो प्लॉट है। फ्रंट साइड से रोड है, बाकी इधर दोनों साइड इधर प्रॉपर्टीज हैं। उस हिसाब से हमने इसकी प्लानिंग की है। सही ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर रहेगा, ग्राउंड फ्लोर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब रहेगी उसका एरिया आप देखेंगे 280 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो ये एंट्रेंस है दोस्तों, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने घर के अंदर। ये आपके घर की एंट्रेंस है। पार्किंग स्पेस मिलेगा आपको 13 फीट 6 इंच पर, 12 फीट 6 इंच का स्पेस रहेगा आपके पास पार्किंग एरिया। यहाँ से देखेंगे आपके पास 3 स्टेप्स हैं। सो ये घर का आपका प्लिंथ लेवल रहेगा। लेवलिंग की अगर हम बात करें तो रोड लेवल को अगर आप 0-0 मान रहे हैं, इधर आप अपना रैंप प्रोवाइड करेंगे। आपका जो पार्किंग स्पेस रहेगा इसका जो लेवल रहेगा वो 1.5 फिट अप रहेगा फ्रॉम द रोड लेवल। घर के लेवल की बात करें तो यहाँ से हमने तीसरा स्टेप आपको जो दिया है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये प्लस 1.5 फिट है, ये प्लस 6 इंच रहेगा आपके पास। तो ये वाला जो घर का अंदर का लेवल रहेगा ये प्लस 3 फिट समझे, इस तरीके से 1.5 और 3 फिट का आपको जो लेवल डिफरेंस रखना है। सो दैट अगर घर कभी हैवी रेनफॉल होता है तो घर के अंदर पानी ना जाए, या इफ इन एनी सिचुएशन कि आपके जो रोड का लेवल है वो सरकार जो है ऊंचा कर रही है, उठा रही है उसको, तो आपको जो घर है वो दब ना जाए, उसलिए घर का लेवल है वो 10 फीट रखा है। यहाँ आपको शाफ्ट दिख रही है जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से आएगी, जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे पता लगेगा जाकर है। यहाँ से आप अप करेंगे अपने घर के अंदर एंट्री करेंगे दोस्तों। ये 4 फिट की मेन एंट्रेंस रहेगी, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने फॉयर स्पेस के अंदर। सो 6 फुट 6 इंच में 5 फिट का आपको एंट्रेंस फॉयर मिलेगा। 4 फुट का दरवाजा है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने घर के अंदर। सामने आपको जो व्यू मिलेगा एंट्री करते ही वो आप दोस्तों आपको मिलेगा आपको लैंडस्केप कोर्ट का, जो कि ओपन टू स्काई स्पेस है। 6 फिट 8 इंच बाय 8 फिट 9 इंच का स्पेस रहेगा। यहाँ पर आपको ग्लास विंडो मिलेगी तीनों तरह। सो यहाँ पर आपको प्लांटेशन करने को मिलेगी। सो जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करेंगे आपको काफी अच्छा व्यू मिलेगा। फॉयर से जैसे हम राइट चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको दिखेगी आपकी स्टेयरकेस अप जाती हुई। तो इधर से आप स्टेयरकेस प्रोवाइड की गई है आपको, जो है 3 फीट वाइड ये स्टेयरकेस रहेगी, 10 इंच का ट्रेड रहेगा। राइजर हमने 7 इंच का रखा है। सो 3.5 फीट वाइड ये पैसेज रहेगा दोस्तों, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको रहेगा। सो यहाँ से आपने जैसे ही आगे चलेंगे आप अपने एंट्री करेंगे अपने ड्राइंग रूम के अंदर। 13.5 बाय 12 फीट का ड्राइंग रूम रहेगा। दोनों ही तरफ 9 इंच की वॉल चल रही है। इस तरीके से आप अपने सोफा सेटिंग करेंगे, सी शेप में या यू शेप में अपने सोफा सेटिंग कर सकते हैं। सामने वाले पूरी वॉल पर आप अपने टीवी पैनलिंग कर सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे सो 2.5 फिट के दरवाजे के साथ आप अपनी टॉयलेट के अंदर एंट्री करेंगे दोस्तों। 5 फिट पर 6 फिट का टॉयलेट मिलेगा आपको। 6 फिट के अंदर हमने 3 फिट फॉर द WC एंड 3 फिट फॉर द वॉश मशीन हमने आपको जो है यूज करके दिया है। सो 6 फिट के अंदर हम आप इस तरीके से प्लानिंग करने वाले हैं इसकी, एंड आप मैकेनिकली वेंटिलेट करेंगे इसको। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ डाइनिंग रहेगी आपके पास, 8 फुट 2 इंच बाय 8 फुट 9 इंच की डाइनिंग टेबल रहेगी। कैपेसिटी की बात करें तो आप इस तरीके से अपनी 5 सीटर डाइनिंग ट कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास रास्ता रहेगा फॉर द सर्कुलेशन। आगे देखेंगे दोस्तों आपके पास रहेगी किचन आपकी, 13.5 बाय 12 फिट की आपको का साइज मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी जो है स्लैब रखेंगे, इधर आप अपना काउंटर रख सकते हैं। यहाँ एक अलग स्लैब है जो कि आप एज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अपनी यूज करेंगे दोस्तों। गैस स्टोव का देखें तो इधर आप अपनी गैस स्टोव रखेंगे, यहाँ अपना रेफ्रिजरेटर या ओवन वगैरह रख सकते हैं। पीछे देखेंगे वॉशिंग हमने आपको एक सेपरेट दी है, तो इस ओपनिंग के थ्रू आप अपने वॉशिंग के अंदर एंट्री 4 फिट का स्पेस है। आपकी जो स्लैब है 4 फुट वाइड है, 4 फिट वाइड रहेगी। यहाँ पर आप अपना सिंक रखेंगे। पीछे देखेंगे आपके पास रहेगा यूटिलिटी एरिया जो कि रहेगा ओपन टू स्काई। 8 फिट बाय 4 फिट 3 इंच इसकी डायमेंशन रहेगी। यहाँ से आप इसको जो है विंडो प्रोवाइड की गई है, वॉशिंग से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इधर से आप इसको एक्सेस करेंगे, इधर से आप वेंटिलेशन आप इससे कर पाएंगे। कपड़े वगैरह आपको वॉश करने हैं तो इस स्पेस के अंदर 8 फुट बाय 4 फुट 3 इंच का जो स्पेस है यूटिलिटी एरिया, यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये तो था दोस्तों हमारा ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर। अभी चलेंगे हमारा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से आप चलेंगे अपने कमरे की तरफ स्टेयरकेस यूज करते हुए। तो जैसे ही आप स्टेयरकेस यूज करते हुए आते हैं तो ये आपका जो है एक्सेस पॉइंट है, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे। यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर चले जाएंगे, आप चलेंगे तो अपने टेरेस फ्लोर। जैसे ही आप एंट्री करते हैं अपने शेयर के स्कोर के अंदर तो यहाँ पर आपके पास ये कटआउट रहेगा, 6 फुट 8 इंच बाय 11 फुट 9 इंच का स्पेस रहेगा। दोनों ही तरफ हमने आपको प्लांटर प्रोवाइड किए गए हैं। इधर आपके पास एक बड़ी ग्लास विंडो रहेगी, सो दैट पूरा जो एरिया है वो नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेटेड रहे, नेचुरल लाइट से लिट रहे आपका एरिया है। नीचे देखेंगे तो आपका रहेगा फर्स्ट बेडरूम,
यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक सेपरेट स्पेस निकाला है, आप चाहे तो यहाँ पर किसी तरीके का शू रैक रख सकते हैं, अपना कुछ स्टोरेज रख सकते हैं, कुछ डिस्प्ले रख सकते हैं, एक्सेसरीज कुछ भी रख सकते हैं। सो यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने पैसेज के अंदर, 6.5x7 फिट का पैसेज है, यहाँ पर आप अपनी अलमीरा प्लेस करेंगे एज एन ड्रेसिंग एरिया यूज करेंगे इसको। सो इधर से आप एक्सेस करेंगे अपने वॉश स्टेशन के अंदर, यहाँ से देखेंगे 3 फीट वाइड वॉश स्टेशन क्या रहेगा, नीचे देखेंगे आपके पास रहेगा बेथिंग एरिया एंड आगे की तरफ देखेंगे तो रहेगी आपकी WC, 4 फुट 9 इंच बाय 3 फुट 6 इंच का WC का साइज रहेगा, 2.5 फिट का दरवाजा है। यहाँ से आपको देखेंगे सिर्फ आपको मिलेगी एक WC, बाहर एक वॉश स्टेशन का स्पेस है सो दैट आपका जो बेथिंग एरिया है एंड WC है वो सेपरेट रह सके। दो आपके घर के अंदर दो मेंबर हैं, इस बेडरूम के अंदर दो मेंबर हैं, वो सेपरेटली आपके टॉयलेट को है वो इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए हमने इसको अलग अलग प्रोवाइड किया गया है। यहाँ देखेंगे आपका बेथिंग रहेगी दोस्तों, 5 फिट पर 3.5 फिट की बेथिंग है, शाफ्ट के थ्रू आप वेंटिलेट करेंगे इसको, फर्स्ट फ्लोर से जो शाफ्ट है वो स्टार्ट हो रही है तो ऊपर आप इसको बेथिंग को इस तरीके से वेंटिलेट कर पाएंगे। पैसेज में ओपनिंग के थ्रू आप चलेंगे अपने बेडरूम के अंदर दोस्तों, 13.5x10 फिट का बेडरूम का साइज मिलेगा। इधर आपको इस तरीके से बेडिंग लगानी है, सामने टीवी पैनलिंग लगानी है, यहाँ आपके पास स्लाइडिंग विंडो रहेगी तो ये 2 फिट का स्पेस है जो मेजन स्लैंडिंग बैल्कनी आप इसको यूज करेंगे। एंड इधर आपके पास ये प्लांटर है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये प्लांटेशन का एरिया है, दोनों ही तरफ आपके पास 4.5 4.5 इंच का ब्रिकवर्क रहेगा, बीच में आप अपने प्लांटर्स प्लॉट्स रख के पॉट्स रख के अपना जो है प्लांट्स यहाँ पर रख सकते हैं। इधर देखेंगे एक बड़ी विंडो है आपके पास जो आप एज एन यहाँ पर वर्क स्टेशन यूज कर सकते हैं, सिटिंग एरिया या बे विंडो के तौर पर इसको यूज करेंगे तो आपको काफी मजा आएगा इस बेडरूम के अंदर रहने के लिए। पीछे की तरफ देखेंगे दोस्तों तो स्टेयरकेस यूज करते हुए पैसेज की तरफ चल रहे हैं, 3.5 फीट का पैसेज रहेगा, यहाँ कटआउट है। फिर से आपके पास एक आता है लिविंग स्पेस, 13.5x12 फिट का लिविंग स्पेस रहेगा, इस तरीके से आप सोफा सेटिंग करते हुए इधर आप अपनी पैनलिंग करें, लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए इस कटआउट लाइट एंड वेंटिलेट करने वाले हैं। पीछे देखेंगे दोस्तों तो आपके पास रहेगा एक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट है ये, 5 फिट बाय 8 फिट का टॉयलेट रहेगा, 3.5 फीट वाइड पैसेज है, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे इस टॉयलेट को, दरवाजे के सामने वेंटिलेशन की बात करें तो इधर आपके पास इसका साइज आप देखेंगे 4 फुट 3 इंच बाय 10 फुट रहेगा, साथ ही साथ आपके पास तीनों साइड यहाँ पर विंडो रहेगी। सो ये लिविंग जो स्पेस है लिविंग एरिया है वो काफी नेचुरली लिट रहने वाला है बिकॉज दोनों ही तरफ से इसको नेचुरल लाइट मिलने वाली है। आपका थर्ड बेडरूम देखेंगे तो इस दरवाजे के थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे, 13.5x10 फिट का बेडरूम है, यहाँ पर आप बेडिंग करेंगे, सामने टीवी पैनलिंग कराएंगे और यहाँ पर आप अपनी अलमीरा प्लेस करेंगे दोस्तों। आगे की तरफ देखेंगे तो वर्क स्टेशन हमने छोटा सा आपका निकाला है, 5 फीट बाय 4.5 फीट का वर्क स्टेशन रहेगा, सामने आप यहाँ पर वर्क स्टेशन लगा सकते हैं, इधर अपनी सेटिंग रख सकते हैं, इधर एक प्रोवाइड करेंगे ये कटआउट है लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। दोनों ही तरफ आप देखेंगे आपका जैसे बेडरूम की अगर आप बात करें तो दोनों तरफ आपको कटआउट मिल रहे हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। लिविंग एरिया देखेंगे तो दोनों तरफ आपके पास जो है कटआउट है, आगे की तरफ आप देखेंगे तो आपका जो टॉयलेट है ये डबल साइड से वेंटिलेटेड है, ये आपका बेडिंग बेडरूम एरिया है वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी प्लानिंग को देखने को मिल रही है। सो ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब देख रहे हैं वो रहेगी 980 स्क्वायर फीट की, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब देख रहे हैं वो रहेगी 940 स्क्वायर फीट। सो गाइस ये हमारा आज का प्लान था, 15 फिट बाय 72 फिट के अंदर काफ़ी नैरो हाउस था, हमने काफ़ी अच्छे से रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग कर कर आपको दी है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये 120 गज का मकान कैसा लगा। 120 गज के अंदर हमने आपको 2 BHK विद अटैच टॉयलेट दिए हैं, 2 लिविंग स्पेसेस दिए हैं, इतने अच्छे कटआउट दिए हैं, प्रॉपर लाइटिंग के साथ पार्किंग स्पेस भी दिया है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान आपको कैसा लगा, आपकी कोई क्वेरी हो या आपको कोई अपना नक्शा बनवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय।